हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामाक्षी फैशन हब। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में आपके लेकर आई हूँ इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस कलेक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं जो आपको इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ वो ड्रेसेस होती हैं जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों का ही टच होता है। और ये ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक क्रिएट करती हैं। अगर आप कोई रेगुलर लहंगा या साड़ी पहनते हैं तो उससे आपकी बिल्कुल इंडियन लुक आती है, और अगर आप कोई गाउन पहनते हैं तो उससे आपकी वेस्टर्न टच आती है, वेस्टर्न लुक आती है। बट ऐसी ड्रेसेस पहनने से आपकी जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग आती है, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इसमें ना तो आप बिल्कुल इंडियन लुक, ट्रेडिशनल लुक आती है आपकी, ना बिल्कुल वेस्टर्न लुक आती है। इसमें आपका एक फ्यूजन लुक क्रिएट होता है। और फ्रेंड्स, आजकल ऐसी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत चलती हैं जिसमें नीचे पैंट्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है और ऊपर क्रॉप टॉप होता है, या टॉप जो होता है वो अटैच भी होता है। आजकल ऐसे घरारा पैंट्स भी चल रही हैं जिसमें दुपट्टा अटैच होता है और ऊपर आप चाहें तो कोई क्रॉप टॉप पहन सकते हैं या पेपलम टॉप भी पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसी लुक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करती है। और फ्रेंड्स, आजकल हल्दी फंक्शन पे और मेहंदी नाइट्स पे भी लड़कियां इन ड्रेसेस को ज़्यादातर प्रेफर करती हैं, क्योंकि ये रेगुलर लहंगा और साड़ी से उनको बिल्कुल अलग लुक क्रिएट करके देता है और एक नया वेरिएशन भी आता है लुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लहंगा ही पहनेंगे शादी पे और फिर आप रिसेप्शन पे क्या पहनेंगे, गाउन पहन लेंगे। आजकल साड़ी का भी ट्रेंड है, पर अगर आपको मेहंदी और अपने हल्दी फंक्शन पे कुछ पहनना है तो आप ऐसा इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आई होप आपको मेरे सजेशंस पसंद आते हैं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।